भिंडी एक ऐसी सब्जी है जो सबको बहुत पसंद आती है, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दही मसाला भिंडी की रेसिपी। एकदम अलग तरह की भिंडी की सब्जी जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दही मसाला भिंडी बनाने के लिए हम 500 ग्राम भिंडी लेंगे। भिंडी को धोकर अच्छे से इसको सुखा लें, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद अब हम इनके दोनों किनारों को काट के अलग कर देंगे, और उसके बाद इसमें हम ऐसे बीच में चीरा लगा देंगे। और चीरा लगाने के बाद इसको हम दो या तीन टुकड़ों में काट लेंगे। अगर भिंडी बड़ी है तब आप उसको तीन टुकड़ों में भी काट सकते हैं। और चीरा लगाने से मसालों का फ्लेवर भिंडी के अंदर तक जाएगा, इसीलिए हम इसमें चीरा लगा लेंगे। और भिंडी को काटने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इन दोनों को डाल के हम अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद अब हम भिंडी को 3-4 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे। और उसके बाद हम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल जब गरम हो जाएगा तब हम इसमें भिंडी को डालेंगे। और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हमें भिंडी को फ्राई करते हुए 80% तक पकाना है, तो आप ये ध्यान रखें कि बिल्कुल भिंडी को नहीं पका लेना है, 80% तक पकाना है। और उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कढ़ाई में से भिंडी को निकाल देंगे। और अब हम कढ़ाई में 2 से 3 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल जब गरम हो जाएगा तब हम इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा जब चटकने लग जाएगा इसमें हम 1 चुटकी भर हींग डाल देंगे और 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट के डाल देंगे। और अब हमें प्याज को तब तक भूनना है कि जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए और इसका कलर ना चेंज हो जाए। प्याज को अच्छे से मिला लेने के बाद अब हम इसमें 2 से 3 हरी मिर्च डाल देंगे और 1 बड़ा चम्मच इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, और इनको भी हम प्याज के साथ ही भून लेंगे। तो बस हम इसको 2-3 मिनट मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे कि प्याज का कच्चापन निकल जाए। तो अब आप ये देख सकते हैं कि प्याज का कलर चेंज हो गया है, ये अच्छे से भून गया है। और अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। नमक डाल देंगे और 1 बड़ा चम्मच इसमें हम काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आधा छोटा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल दें और आधा छोटा चम्मच इसमें हम जीरा पाउडर डालेंगे। 1 छोटा चम्मच इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। इन सबको डाल के हम अच्छे से मिला लेंगे। कसूरी मेथी को आप भून के भी डाल सकते हैं या बिना भुने भी डाल सकते हैं। और जब हम इनको अच्छे से मिला लेंगे तब हम इसमें 1 छोटा चम्मच बेसन भी डाल देंगे। बेसन डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और जो मसाले हैं उनकी एक अच्छी बाइंडिंग होगी। और बेसन डाल के बस हम इसको लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। और भुनने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे कि मसाले जले नहीं। और थोड़ी देर भुनने के बाद अब आप ये देख सकते हैं कि मसालों से तेल अलग होने लगा है। तो अब हम इस स्टेज पे 1 टमाटर को बारीक काट के या पीस के डाल देंगे। तकरीबन ये 1/2 कप के करीब टमाटर का पेस्ट है। आप चाहें तो टमाटर को बारीक काट के भी डाल सकते हैं। अच्छे से हम इसको मिला लेंगे। और अब हमें इसको तब तक पकाना है जब तक टमाटर भी ना पक जाए और ये तेल ना छोड़ने लग जाए। तो मिलाने के बाद अब हम इसको ढक कर 1-2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये मसाला तेल छोड़ने लगा है और टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं। और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। और 1-2 मिनट के बाद जब ये मसाला हल्का सा ठंडा हो जाएगा इसमें हम 1/2 कप फेटा हुआ दही डालेंगे। तो दही को आप पहले फेंट लें और उसके बाद ही डालें। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब फ्लेम को ऑफ कर देंगे उसके बाद ही दही को डालेंगे। फ्लेम ऑन करके या गरम मसाले में दही को नहीं डालें, नहीं तो दही फट सकता है। और अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। और अब हम इसको लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमने दही को भी अच्छे से मिला लिया है और इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। 1/4 से आप 1/2 कप के करीब इसमें पानी डाल दें और पानी डालकर हम इसको मिला लेंगे। अगर आपको थोड़ी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए तब आप कम डालें, नहीं तो आप 1/2 कप के करीब भी डाल सकते हैं।
आधा छोटा चम्मच इसमें हम गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और उसके बाद मिलाने के बाद अब हम इसको ढक कर 2-3 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो 2-3 मिनट के बाद अब आप ये देख सकते हैं कि अच्छे से हमारा ये मसाला बनके बिल्कुल तैयार है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम इसमें जो हमने भिंडी को फ्राई करके रखा हुआ था इसमें डाल देंगे और भिंडी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ध्यान रखें कि आपको एकदम हल्के हाथ से मिलाते हुए भिंडी को मिक्स करना है और जब भिंडी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तब हम इसको ढक कर 4-5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे कि जिससे भिंडी में भी अच्छे से मसालों का फ्लेवर आ जाए। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारी ये सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार है, भिंडी भी मसालों में अच्छे से कोट हो गई है। तो बस ये हमारी दही मसाला भिंडी बनके तैयार है। फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और इसको ढककर हम 1-2 मिनट के लिए रख देंगे और 2 मिनट के बाद अब हम इसको सर्व करेंगे। और ये हमारी दही मसाला भिंडी बनके तैयार है। आप इसको रोटी, पराठा या राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आप ये भिंडी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सब्ज़ी बहुत पसंद आएगी।